सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। मैं डॉक्टर पुनीत मानपाणी, एमएस ऑर्थोपेडिक्स एंड फेलो इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैं मेडिकवर हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बोलकर कार्यरत हूँ। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि नी रिप्लेसमेंट क्या है। नी रिप्लेसमेंट एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें डैमेज हुए हुए नी सरफेस को निकाल कर उस पर नया मेटल का सरफेस बिठाया जाता है, जिसको सारी भाषा में घुटना बदलने का ऑपरेशन भी कहा जाता है। अब ये नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किसे करना चाहिए? जिन लोगों का घुटना उम्र के हिसाब से डैमेज हो गया हो, या कभी कभी पुराने एक्सीडेंट के कारण नी का सरफेस खराब हो गया हो, तो इन लोगों को चलने में घुटनों में दर्द होने लगता है, ये पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम नी रिप्लेसमेंट के फ़ायदों के बारे में सोचें तो जिसके लिए ऑपरेशन कराया है, जो है दर्द, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बिना दर्द के आप चल फिर सकते हैं, बिना दर्द के आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, जो घुटनों में टेढ़ापन आया हुआ है वो सीधा हो जाएगा और आपकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी काफ़ी हद तक पेनलेस हो जाएगी। नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के बाद में जनरली 3 से 4 हफ्तों में पेशेंट में काफ़ी सुधार आ जाता है। 3 से 4 हफ्तों में पेशेंट बिना वॉकर के चलने फिरने के काबिल हो जाता है। जिनको घुटनों में दर्द है या जिनको नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो मुझे मेडिकवर हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार के बीच सुबह 10 से 5 के बीच में कंसल्ट कर सकते हैं। ये नी रिप्लेसमेंट के वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें इस वीडियो में हमने जो जो टॉपिक्स पे बात की है, उसमें हर टॉपिक को हम विस्तार से आगे अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो के आगे के पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। आरोग्य जागृति।